मुसलमानों ने करेली में फूका आतंकवाद का पुतला। विरोध जताकर कहा, हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं होने देंगे आतंकवादियों को सफल। आज हिंदुस्तान के अंदर कल जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट किया गया है, एक आतंकवादी संगठन के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा जो आत्मघाती हमला हुआ है, जो बम कांड हुआ है, इसकी घोर निंदा आज हिंदुस्तान के सारे व्यापारियों ने किया है। और हम सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर इसको जड़ से खत्म करने की सरकार से अपील करते हैं। जो भी हो रहा है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, ये गलत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के भाई हैं। दिल्ली में जो भी हुआ है बम विस्फोट हुआ कल, वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके हम लोग खिलाफ हैं कि हम या हिंदुस्तानी सभी आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, समझे। और ये मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा। निराला के पौत्र अन्नागिरी पर चौथे दिन भी आमरण अनशन जारी, नहीं चेता विश्वविद्यालय प्रशासन, अनशनकारी की हालत बिगड़ी। हम लोगों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम लोग विश्वविद्यालय के अभिनंग पत्राचार शिक्षा संस्थान के कर्मचारीगण हैं और विगत 5 वर्षों से ये क्रम चला रहा है। कहीं 3 महीने का, कहीं 2 महीने का, कहीं 4 महीने का, इस तरह से वेतन दे करके, और हम लोगों को जो है दोहरी मानसिकता के शिकार होना पड़ा। ये मांग तो जो हमारी, ये पहली मांग ये है कि जो 7 महीने का वेतन नहीं दिया गया है उसको अविलंब जो है दिया जाए और समस्या के स्थायी निदान होने तक नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए। चांदापुर हाथे में मंदिर पर कब्जे को लेकर नागरिकों में आक्रोश, मुट्ठीगंज थाने पर दिया धरना, कहा भू माफिया की हो गिरफ्तारी। नेतृत्व किया विजय वैश और विजय गुप्ता ने। एक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बताने वाला लालमणि तिवारी जो है चंदापुर हाता पर एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, उस पे उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब नागरिक गए उसके पास मना करने के लिए तो उसने बंदूक और पिस्तौल दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि जो है इस पे हम कब्जा करेंगे, इस पे लेटरिन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे और हम लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे पास बड़ी भारी टीम है। आपको आरएसएस के कार्यकर्ता बता रहा है, उसके विरोध में आज थाने के घेराव किया है। अब पुलिस प्रशासन आला अधिकारी कान खोल के सुन ले, यहाँ के स्थानीय नागरिक अब कान चैन से नहीं बैठेंगे, सड़कों पर उतर चुके हैं। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ पर आला अधिकारियों को चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, इसके लिए स्थानीय नागरिक। अल्लाहपुर में जमीन विवाद में डॉक्टर की गोली मार कर हत्या।
अभी तक। हाँ सबसे हमारे इनकी हत्या हो गई है, इसमें हत्या की पृष्ठभूमि में यह है कि इनकी जमीनी और उन्हीं लोगों ने इनके परिजनों का आरोप हत्या कराई है। इसके तीन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है, शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाए। क्या लग रहा है किस तरह की सरे शाम हत्या हो जा रही है? हाँ करीब 9:15 की घटना है और ये इनकी दुकान के पास बदमाश आए और उन्होंने हत्या किया है। हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जिन पर भी शक जाहिर किया गया उनको उठा लिया गया है और शीघ्र ही घटना का खुलासा करते हैं। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की 6वीं पुण्यतिथि पर विद्वानों का किया गया सम्मान। डॉक्टर सुंदरलाल द्विवेदी जी और बड़े भाई अभिमन्यु बच्चन जो सभागार में उपस्थित है, प्रिय छात्रों, देवी सज्जनों, तमाम चैनल आ गए हैं, प्रिंट मीडिया पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी बात कहेंगे। निश्चित ही पहले अच्छे स्थान से किसी अच्छे विद्वान को बुलाया गया होगा, पर जब उसको सुनता हूँ मेरे जो बंधन आएंगे इसकी कैसी प्रगति कर देंगे। आज उनके साथ की उद्देश्य तो केवल इतना ही था, बाद में उस संस्था के माध्यम से अधिकारी होने लगे, उनको कुछ सम्मान भी किया जाए और सुना जाए उन्हें। सभी समाज बहुत कम समय में केवल दूरभाष पर आपसे स्मरण करूंगा तो आपको सहयोग प्रदान करते हैं। जयशंकर त्रिपाठी जी के विषय में बहुत अधिक कि पंडित जी प्राय श्लोक गुरु बनाया करते थे और जब कभी भी किसी का सहयोग या कहीं कुछ मदद करते थे तो ये श्लोक जरूर पढ़ते थे। बाद में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, इनके कुल 36 ग्रंथ हैं और संस्कृत वांग्मय का कोई भी पक्ष इनसे अछूता नहीं रहा। ये केवल साहित्य के ही नहीं वेद वेदांग के, ज्योतिष वास्तु के और तंत्र आदि के बड़े प्रख्यात विद्वान हुए। इनके ग्रंथ आज भी अनेक विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। अर्जुन अवार्डी आशीष और डीके राठौर का इलाहाबाद में हुआ जमकर स्वागत। टोपी पहन ले यार, टोपी पहन ले भाई। आपको क्या कहते द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसे इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, खाली मैं फील कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, ये जिमनास्टिक्स की फील्ड में पहला अवार्ड है। इस अवार्ड से जो मेरे बाकी और कोचेज साथी हैं वो लोग बहुत मोटिवेट होंगे कि इसके बाद हमारे को भी अवार्ड मिलेगा। कि एक हमने बिगनिंग कर दी और जो इलाहाबाद में हम लोग मॉर्निंग सुबह 4:30 से ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं, बाकी कोचेज मेरे साथ लगे रहते हैं, कंधे से कंधे लाए काम करते हैं। इसके लिए आप लोग भी बधाई बात कर रहे हैं, आज बड़ा खुश हूँ इसलिए क्योंकि अभी तक ये अर्जुन अवार्ड 7वां। इस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, और थोड़ा गम भी है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राष्ट्रपति के हाथ से आके लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता उस समय हम लोगों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था लंदन में और उसके बाद हम लोगों का वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिशन था बेल्जियम में, तो उस कारण मैं नहीं आ पाया। लेकिन आने के बाद खेल मंत्री के हाथों मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आप और आपके गुरु दोनों को साथ साथ मिला, इसमें आपको कैसा? नहीं, बहुत खुशी की बात है क्योंकि देखिए हर चीज़ में जब कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है तो उसकी बात कुछ और होती है। अब ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट हुई कि पहली बात किसी एक स्पोर्ट से एक एकेडमी से दो लोगों को अवार्ड मिला, वो भी अर्जुना और द्रोणाचार्य।